अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय सहाफी अशोक स्वैन ने मोदी को खबरदार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने एक और अभिनंदन पकड़ लिया तो इस बार पाकिस्तान उसे वापस नहीं भेजेगा। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कौम परस्त हुकूमतें अक्सर नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगा पाती। मोदी हुकूमत को जान लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने एक और अभिनंदन पकड़ लिया तो इस बार पाकिस्तान उसे वापस नहीं भेजेगा। अशोक स्वैन ने कहा है कि एक बार तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया था, लेकिन अब की पाकिस्तान भारत के साथ कोई रियायत नहीं करेगा। याद रहे कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय MiG-21 गिराया था, जिसने पाकिस्तान की जमीन पर हमला करने की कोशिश की थी, और इसके पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे बाद में वजीर आजम इमरान खान ने जज्बे खैर सगाली के तौर पर रिहा किया था। अब भारत को भारत के अंदर से ही खबरदार किया जा रहा है कि पाकिस्तान बार बार रहम नहीं करेगा, इसलिए मोदी को कोई भी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय फजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन ने सर्विस में वापसी के बाद अपनी पोजीशन संभाल ली है। दो रोज कबल भारतीय पायलट अभिनंदन ने MiG-21 त्यारे में परवाज की। इस मौके पर दोनों परवाज उनके हमरा भारतीय फजाइया के एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी मौजूद थे। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से पाक फजाइया ने अभिनंदन का त्यारा गिराया था और बाद अजां अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसे अमन का पैगाम देने के लिए रिहा कर दिया गया। अभिनंदन की सर्विस में वापसी के बाद कुछ तस्वीर सामने आई है जिसमें उन्हें जहाज के साथ देखा गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि अभिनंदन ने MiG-21 त्यारे में परवाज की। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल धनोआ, जिनकी रिटायरमेंट में चंद दिन बाकी रह गए हैं, उन्होंने गुज़श्ता पीर को MiG-21 लड़ाका त्यारा उड़ाकर अपनी आखिरी पेशेवराना परवाज मुकम्मल की। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम इंटरेस्टेड वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।